कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से लगातार फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। तीसरे आतंकी से मुठभेड़ चल रही है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल के 9 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। आतंकियों को कोई मदद ना मिल पाए इसलिए पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। एहतियातन सोपोर में सारे स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के आतंकियों के एक इलाके में छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। अपने ऊपर शिकंजा कसता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। अभी भी दोनों ओर से फायरिंग जारी है। दो आतंकी मारे गए। आतंकियों से मुठभेड़ लगातार चल रही थी और अब खबर आ रही है कि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। पूरा एरिया सैनिटाइज कर लिया गया है और स्कूलों में भी एहतियातन छुट्टी कर दी गई है और इस वक्त आर्मी इस कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी है कि उस आतंकी को भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक आतंकी है जो जिंदा है इस वक्त, जो अंदर से फायरिंग जवाबी कर रहा है, तो उसको भी मार गिराने की इस वक्त कार्रवाई चल रही है। पूरे एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। तीनों आतंकियों ने कल सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की थी। ट्रक में ये छुपे हुए थे। जब ट्रक की तलाशी ली जा रही थी तभी आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की थी और भाग गए थे, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी और सर्च ऑपरेशन जारी था। सीमापार से बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया सूत्रों के से मिली खबर के मुताबिक पीओके में 34 लॉन्चिंग पैड काम कर रहे हैं। साथ ही 200 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 34 लॉन्चिंग पैड काम कर रहे हैं पीओके में, घुसपैठ की फिराक में 200 से ज्यादा आतंकी हैं। सीमा पार से बड़ी साजिश का खुलासा। खुफिया सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक पीओके में 34 लॉन्चिंग पैड काम कर रहे हैं। साथ ही 200 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में हैं। तो हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है। ये केंद्र की इस तरह से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, वो भी तब जब यहाँ पे फेस्टिवल्स का माहौल है।